हेलो फ्रेंड्स, आई एम मौमिता। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय गार्डन। फ्रेंड्स, आज मैं बेबी सनरोज प्लांट के कुछ कटिंग्स आपके सामने ग्रो करूंगी। इट इज़ अ सन लविंग प्लांट। सनलाइट जितना अच्छी तरह ये प्लांट को मिलेगा, उतना अच्छी तरह ये प्लांट ग्रो करेगा। आप कटिंग्स देखिए, कितना अच्छा हेल्दी कटिंग्स है। और इसका जो फ्लावर्स होता है वो रेड कलर में आता है और एकदम छोटा छोटा फ्लावर्स होता है। आप स्क्रीन में देख पा रहे हो इसका फ्लावर्स, जब फ्लावरिंग होता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट। चलिए लेट्स ग्रो इट। देयर आर टू कटिंग्स इन द प्लास्टिक। चलिए मैं अब इसको निकाल लेती हूँ। एंड देखिए इसका लीव्स जो है, इसके लीव्स में इसका वाटर स्टोर करके ये प्लांट रखता है, इसलिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं निकाल भी लिया। वाओ, देखिए इसमें रूट्स भी आ गए हैं। वेरी गुड। एक्चुअली मुझे ये कटिंग्स मेरे एक दीदी ने गिफ्ट की थी, मेरे पास नहीं था बेबी सनरोज के प्लांट। देखिए एक में कितना अच्छी तरह रूट्स आ गए हैं। और ये देखिए, नहीं इसमें रूट्स नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, दोनों को ही मैं एक ही पॉट में ग्रो करूँगी। बेबी सनरोज ग्रो करने के लिए ज़्यादा कुछ केयर की ज़रूरत तो नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह इजीली ये ग्रो हो जाता है कटिंग से। हैं कटिंग्स लगाने के लिए, प्लांट को ग्रो करने के लिए ज़्यादा बड़ा पॉट्स की ज़रूरत नहीं है। आप छोटा से छोटा पॉट्स में, कंटेनर में इसको लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में आप इसको लगा सकते हैं। मैं एक छोटा सा पॉट ली हूँ इसको लगाने के लिए। और हमारे यहाँ तो मॉनसून स्टार्ट हो गया है, इसलिए सॉयल देखिए पूरा गीला है। इसमें मेरे विंटर प्लांट लगा हुआ था, सॉयल एकदम रेडी है। एंड इसमें गार्डन सॉयल सैंड ऑलरेडी मिक्स है। एंड विंटर में मैं वर्मी कंपोस्ट इसमें ऐड की थी, बट रेन के वजह से मुझे नहीं लगता है इसमें कोई भी कंपोस्ट और बाकी है। फ्रेंड्स, मैं गार्डनिंग का काम अपने हाथों से करना बहुत पसंद करती हूँ, बिकॉज हाथों से गार्डनिंग करने में कुछ अलग ही मज़ा है। और ग्लव्स पहन के उतना मज़ा नहीं आता है। अगर गार्डनिंग करना है तो हाथ में सॉइल तो लगेगा ही, मिट्टी लगेगा ही, तो उसमें ही मज़ा है। जो लोग प्लांट्स लगाते हैं, गार्डनिंग करते हैं, उनको ये बात अच्छी तरह मालूम है। तो फ्रेंड्स, मैं और कुछ नहीं इसमें ऐड करूँगी, फर्टिलाइज़र तो एकदम ही नहीं, बिकॉज जब आप कटिंग्स लगाते हैं तो प्लेन सॉइल में ग्रो कीजिए। फर्टिलाइज़र देने से ये नहीं, कटिंग्स नहीं ग्रो होगा, मर जाएगा। और वाटर मैं बिल्कुल नहीं दूंगी अभी, बिकॉज सॉइल एकदम मॉइस्ट है और ये सकुलेंट है। सकुलेंट को वाटर ज़्यादा पसंद नहीं है, बेबी सनरोज को वाटर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं इसको अब शेडी एरिया में रखूँगी कुछ दिनों तक, उसके बाद मैं बाहर रखूँगी, धूप में रखूँगी। बट मुश्किल की बात यह है, हमारे यहाँ मानसून स्टार्ट हो गया है, तो कभी बारिश हो रहा है, कभी धूप निकल रहा है। तो बारिश का पानी मैं इसमें अभी एकदम ही पड़ने नहीं दूंगी। अगर बारिश का पानी इसमें पड़ेगा तो ये रूट्स जो है वो गल जाएगा, कटिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो नष्ट हो जाएगा कटिंग्स। तो मैं अब इसको शेडी एरिया में ही रखूँगी। देखते हैं कटिंग्स ग्रो होता है या नहीं। मुझे तो लगता है कटिंग्स ग्रो हो ही जाएगा, तो एक में तो रूट्स ऑलरेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय। हैप्पी गार्डनिंग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर प्लांट्स।